हे गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल, बॉयफ्रेंड ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं गाइस? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। और मेरे चैनल पर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे है और क्या कॉन्फिडेंस है? हेलो मैम, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? हेलो, गुड इवनिंग, मेरा नाम शालिनी है। और आज कितने डेज हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए? आज मेरा लास्ट डे है, आज मेरा 15th डे है। ओके, तो फर्स्ट डे से और 15 डेज में आपको क्या क्या कॉन्फिडेंस है और क्या क्या आपने सीखा है और किन जगह आपको भी दिक्कत आती है चलाने में? क्या आगे अभी इतना सीखने के बाद आपको अगर गाड़ी दे दी जाए तो आप अकेले चला लेंगे? कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली रेज हुआ है, लेकिन हाँ अभी एकदम अकेले तो नहीं चला पाऊंगी, क्योंकि कुछ टर्न्स वगैरह हैं, जैसे जहाँ पे ब्रेक राइट में मेरा पैर थोड़ा नहीं जल्दी जाता है, और जिसके लिए मुझे राहुल जी हमेशा कहते रहते हैं कि बिना इसके कैसे काम चलेगा। ये देखिए, सारा खेल तो राइट वाले पैर का ही है ना। अभी मैंने कोई क्लच ब्रेक पे पैर नहीं रखा, ना ही तो मैं रखूंगा। अगर कुछ ऐसा 19-20 होता तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि करना क्या है। Right. क्योंकि मैं आज ये देखना चाहता हूँ, वैसे आप चला सकती हो क्योंकि अभी आपने एक बार भी अपनी कार नहीं चलाई है। Right. और जो 15 डेज होते हैं उसमें मैं स्टूडेंट को कम से कम 10 से 12 डेज और लास्ट के 2-3 दिन उनकी गाड़ी से करवा देता हूँ। तो आपके पास गाड़ी तो है नहीं अपनी। Right. है ना, तो इसलिए आपको जब तक आप अकेले नहीं चलाओगे ना, तब तक आप एक्चुअल कॉन्फिडेंस आपको नहीं पता चल पाएगा कि हाँ मैंने कितना सीखा और कितना अभी सीखना बाकी है। जब तक आप अकेले नहीं चलाओगे, जिस दिन आप अकेले निकालोगे आपका कॉन्फिडेंस और हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अभी जिन जिन गलियों में आपने चलाया है ना, इन गलियों में चलाना बहुत टफ होता है। हाईवे पे चलाना आसान है या गलियों में? गलियों में चलाना टफ है, हाईवे पे चलाना आसान है। गलियों में तो सुपर टफ है चलाना। हाँ, क्योंकि बार बार आपको फर्स्ट गियर सेकंड गियर गाड़ी को रोकना, बढ़ाना, झूला झूलाना, ये सारी चीजें उसमें लागू होती है ना। इसलिए अभी यहाँ से हमें जाना है राइट। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को कंट्रोल कर लिया तो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ तो बहुत इजी है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ फिफ्थ गियर में गाड़ी की स्पीड मेंटेन करनी होती है, ना कि गाड़ी को कंट्रोल करना होता है। तो हमें फर्स्ट और सेकंड गियर में और रिवर्स गियर में कार को कंट्रोल करना आ गया तो समझ लो कि हम गंगा नहा के आ गए, है ना। तो अभी आप फर्स्ट और सेकंड गियर में ज़्यादा चलाई हैं, फर्स्ट और सेकंड और रिवर्स गियर। रिवर्स तो आप पूछो मत, इतने सारे यूटर्न किए हैं आपने, इतने कि पूरा खुर्रम नगर आपने गोल गोल घुमा दिया है ना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है जब वो मैं अकेले करूँगी तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस। देखिए, हाँ, जब तक के मेरा जो एक्सपीरियंस है, सेकंड गियर कर लो, यहीं से लेफ्ट लेना है, यहीं से। जब तक के आप अकेले नहीं चलाएंगी ना, तब तक के अभी आपको जो आप अभी कंफ्यूज हो रही ना, जैसे अभी आपने क्या कहा कि हाँ शायद मैं अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, जब आप अकेले चलाओगे तो इससे भी बेटर चलाओगे, क्योंकि उस टाइम आपका 100% माइंड आपका ही रहेगा। अभी आप कहीं ना कहीं आपका माइंड मेरे ऊपर डाइवर्ट है कि बगल में कोई बैठा, कुछ होगा तो संभाल लेंगे, लेकिन उस टाइम आपको एकदम अलर्ट होना पड़ेगा। ये भी मेरे स्टूडेंट है सामने जो आ रहा बाइक से, आगे से राइट जाना है। हॉर्न आप बहुत ज़्यादा, हॉर्न वन टाइम बजाइए, लॉन्ग बजाइए, पर ये बार बार नहीं मैडम, हॉर्न नहीं मारोगे तो लोग बोनेट पे बैठ जाएंगे फिर। और हॉर्न मारना, लेकिन अब ये थोड़ी किसी को मतलब आप इरिटेट कर दोगे हॉर्न मार के, केवल टांट्स में ही बजाते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा लॉन्ग, जैसे इन्होंने क्या, शालिनी जी ने अभी क्या करा, 4-5 बार हॉर्न दे धनादन दे धनादन, ऐसे थोड़ी एक बार लॉन्ग बजा दो, सामने वाला अलर्ट हो जाए। ये सब ब्लाइंड टर्न है ना, ब्लाइंड टर्न पे अचानक अगर कोई बाइक या कार, कोई बच्चा अचानक आ गया तो, है ना, तो ये सारी चीजें समझनी है। आज तो शालिनी जी आपका पैर आ रहा है टाइमली, यहीं से राइट देना, गलती नहीं, लास्ट डे और फुल डे, फर्स्ट डे नहीं, बस चीज़ें ये माइंड में ये रहता है कि मतलब आपको वो चीज़ें आ जानी चाहिए जो कि ड्राइविंग चलाने के लिए, करने के लिए, सीखने के लिए आनी चाहिए, है ना। अभी ये आज के बाद अगर आप मुझे ढूंढोगे तो मिलूंगा नहीं, इसलिए क्योंकि मैं किसी और को सिखा रहा हूँगा। नहीं, क्यों नहीं ढूंढ, मुझे मन करेगा तो मैं आपको दे दूंगी पर डे, लेकिन बैठ जाऊंगी चलाने। नहीं, वो कहने का मतलब ये है ना कि जैसे कि स्लॉट के हिसाब से अगर आप मुझे बोलेंगे कि भैया मुझे कुछ भी एनीवे अगर फ़ोन पे कुछ पूछते हैं तो वो तो मैं बता दूंगा आपको, है ना। लेकिन अगर अभी आप सीख के छोड़, यहीं से राइट लेना, सीख के छोड़ देंगी तो प्रैक्टिस जो आप अभी आपको प्रैक्टिस करनी है,
15 दिन सीखने के बाद, 10 दिन सीखने के बाद अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस कर लेती हैं अपनी गाड़ी से, अब कुछ स्टूडेंट होते हैं 10 दिन सीखने के बाद ही अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं यहाँ से लेफ्ट, कुछ लोग हफ्ते में निकाल लेते हैं, कुछ लोगों को 15 दिन सीखने के बाद भी डरते हैं, कहते हैं भैया अभी मुझे लग रहा है कि मुझे अभी नहीं आई है, नहीं आई है। तो गाँव बसाने लुटेरे पहले आ जाएँ, तो जब तक आप चलाओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा एक्चुअल। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अब कभी दिक्कत नहीं आएगी चलाने में, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने करा दी है, मैंने अर्ली मॉर्निंग भी मैंने करा दिया, आफ्टर भी करा दिया, नाइट में भी चलवा दिया है, ठीक है, और रिवर्स पार्किंग भी कराई आपको, स्लोपिंग भी कराई और वो यू टर्न भी कराया है, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यहाँ से लेफ्ट जाना है जहाँ तक मेरा मानना है, अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे आ गया ना ऑटोमेटिक, और जब आप अकेले चलाओगे ना आराम से देखा झटके से निकला स्कूटी वाला, नगर निगम जिंदाबाद, बढ़ाइए स्पीड। कभी भी किसी मतलब ब्लाइंड टर्न से अगर आप निकल रहे हो ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हो के एकदम दाएं बाएं कभी भी कोई भी निकल आता है अचानक। आगे से लेफ्ट जाना है हमें, नहीं आगे। और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है सिंगल रोड पे, वन वे जो रोड होता है ना वहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है लेफ्ट जाना, क्योंकि डिवाइडर रोड पे तो आपको खतरा है ही नहीं ना सामने से, खतरा तो हमेशा कहाँ से होता है, सिंगल रोड पे। जैसे अभी इस रोड पे डिवाइडर नहीं है, तो सामने अगर फास्ट कोई आ रहा है एक दूसरे को ओवरटेक करेगा तो हमारी गाड़ी में भिड़ा सकता है वो, और अगर ये डिवाइडर, ये जो बीच में वाइट लाइन बनी है ये एज ए डिवाइडर है, अगर डिवाइडर रोड पे आप चल रहे हो तो सामने से कोई खतरा है नहीं है। तो इन सब रोडों पे चलाने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब देखो पासिंग डिपर देना सीखा आपने, मैंने टोका नहीं फिर भी आपने दिया, तो फोन साइलेंट करना भूल गया। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है ना चला चला के ही आएंगी। और सबसे ज़्यादा लेफ्ट वाले को आपको नोटिस करना, क्योंकि राइट वाला आपको खुद नोटिस कर रहा है वो, समझ रहे हैं, लेफ्ट वाले को आपको बचाना है, राइट वाला आपसे खुद बचेगा। अक्सर गलती स्टूडेंट क्या करता है, वो राइट वाले को बचाने लगता है और लेफ्ट वाले को निपटाने लगता है, समझ रहे हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि जब हम कार ड्राइव करते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो गाड़ी से काफ़ी, जहाँ बैठे हो आपकी ड्राइविंग सीट से काफ़ी लेफ्ट में निकला हुआ है, और राइट वाले हिस्से पे आप बैठे हो तो राइट का अंदाज़ा बहुत अच्छे से आ जाता है ना। और जो लोग टू व्हीलर या स्कूटी चलाते हैं तो उनको क्या होता है, जब वो बीच में बैठते हैं तो उनको लगता है कि बस वो 3 ही फीट जगह हमको लेना है और इसमें चाहिए 8 फीट जगह, तो 5 फीट जगह को कैसे मैनेज करोगे, है ना। तो उसके लिए भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको, और लेफ्ट में अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो राइट साइड का हिस्सा आप बचा ही ले जाओगे, क्योंकि राइट वाली स्टीयरिंग आपके हाथ में है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। प्रैक्टिकल मेन है, प्रैक्टिकल के साथ साथ थोड़ा टेक्निकल चीज़ें भी आनी चाहिए। अब पासिंग डिपर दे दो, सामने देखो गाड़ी आ रही, क्योंकि यहाँ बस खड़ी है तो एक साथ में दो गाड़ी नहीं निकल पाएंगी। अब देखो उसने गड़बड़ कर दिया ना, इनको कहते पढ़े लिखे बेवकूफ़ आदमी, राइट काटो। देखा आपने, उसने जरा सा भी कोऑपरेट किया नहीं किया, क्योंकि आपने पहले पासिंग डिपर दिया था उसको और उसने पहले रोका भी हल्का उसने डाउन भी किया था, नई गाड़ी लेके आया था, अभी हल्का रगड़ जाती तो बस हो जाता काम। बढ़ाओ धीरे से, हाँ स्पीड बढ़ाओ, जाने दो, बढ़ाओ रेस करो। और ये सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, डबल रोड पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन सब रोडों पे देख रहे हो कहीं से फॉर्च्यूनर आ रही है तो कहीं ऑटो आ रहा है तो कहीं बीच में निकल के सब्जी खरीद रहा है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, इन्हीं को कहते हैं चलाना। सीधा सीधा हाईवे पे चलाना तो बहुत आसान होता, कोई भी चला सकता है। अभी अगर आपको आगरा जाना हो या गोरखपुर जाना हो तो आप मुस्कुराते हुए जाएंगे और मुस्कुराते हुए आएंगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ इतना टेंशन ही नहीं है। और अगर अभी मैं कह दूँ जाओ अमीनाबाद जाओ या आप जाके पॉलीटेक्निक चौराहे पे दोपहर में 3-4 राउंड मारो तो क्या होगा, पसीने छूट जाएंगे, होगा नहीं होगा, क्योंकि भीड़ में चलाना। राइट काटो फटाफट, हाँ जल्दी से, वेरी गुड। अब रिक्शा बच गया, आपने भी अपनी कार को भी बचा लिया, बढ़ा लो स्पीड। अब देखो सामने से कार आई, आपने उसको डिपर दिया, लेफ्ट में पोल था, पोल को भी बचा लिया। फोर व्हीलर में ना एक्चुअल में हमें 100 मीटर पहले प्लानिंग करनी होती है, अगर हम प्लान करके चलते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बढ़ा लो स्पीड, जाने दो, हाँ
अब इन सब रोडों पे जिसने कार चला ली है तो उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सिंगल रोड पे चलाना बहुत टफ होता है, सामने से बाइक आ रहा, रिक्शा आ रहा, इधर से लोग भी खड़े हैं, तो यहाँ पे अगर आपने कार चलाना सीख लिया तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी।